नमस्कार, स्वागत है आपका कृष्णा टेक्निकल पाठशाला में। तो चलिए, यूनिट नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर शायद 4 होगा, और आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो दो टेस्ट अपलोड किए गए हैं ऐप पे, उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आशा है कि आप सब इस लेक्चर को देखने से पहले उन दोनों टेस्ट के क्वेश्चंस को देख लिए हैं, अटेम्प्ट कर लिए हैं। बनना नहीं बनना बाद की बात होती है, आपने क्वेश्चंस को देखे हैं, और अगर आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत सारा डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए, आप ये बता दीजिए कि साउंड आपको क्लियर आ रही है, तो हम आगे की कार्यवाही को स्टार्ट करें। और ये डिस्कशन तो कल ही होने वाला था, बट कल टाइप नहीं हो पाया, इसलिए आज इस डिस्कशन को हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, जल्दी से सब लोग ज्वाइन हो जाइए, और हम बारी बारी से क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और क्या उसका सॉल्यूशन देखेंगे। चारों ऑप्शंस के बारे में भी देखेंगे कि अगर कोई एक ऑप्शन सही है तो फिर वो वही सही क्यों है और बाकी सब गलत क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आवाज क्लियर आ रही है ना, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बारी बारी से क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप उनको बताइएगा कि हाँ आपने क्या लगाया था, और बाकी कोई बात नहीं, जो लोग बनाए हैं उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा, और नहीं बनाए हैं तो फिर वैसे भी क्वेश्चन आंसर देखने से कोई फायदा होगा नहीं। चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने एक साथ दिख रहे हैं 3 क्वेश्चन बोर्ड पे, और वो काफी आसान भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब आपको आंसर कमेंट करना रहेगा तो क्वेश्चन नंबर के साथ 1, जैसे 1 का आंसर बताना है तो 1A 1B इस प्रकार से आप आंसर अपना दे सकते हैं, 1C। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। खैर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी डील्स विद, यूनिट नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। हाइड्रोलॉजी किसके साथ डील करता है, ग्राउंड के नीचे वाले पानी के साथ या फिर सरफेस वाले पानी के साथ। तो हमने वहां जाना था कि सरफेस पे रहे समुद्र से पानी उठता है आकाश में जाके, वापस से धरती पे गिरता है, कुछ पानी धरती पर बहते हुए वापस समुद्र में पहुंच जाता है, कुछ धरती के अंदर होते हुए अंत में समुद्र में पहुंच जाता है, यानी कि ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। तो शिवा रॉय का आंसर आया है 1C, और सही है। दूसरा, सुटेबल प्लेस फॉर रेन गेज स्टेशन इज, और जैसा कि आप सबको पता था कि आज क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट गायब है। सुटेबल प्लेस फॉर ए रेन गेज, रेन गेज स्टेशन को हम कहां पे लगाना पसंद करेंगे, एक खुला जगह में या बिल्डिंग के अंदर या पेड़ के नीचे या सभी जगहों पे। तो भाई साहब, पेड़ के नीचे और बिल्डिंग के अंदर लगाइएगा तो उसमें जब बारिश ही नहीं जाएगा तो बारिश मेजर क्या करेगा। तो 2 का आंसर ये बिल्कुल सही है आपका, ओपन स्पेस में लगाएंगे, और ये आशा है कि ये सब आंसर सबका सही हो रहा होगा। तो तीसरा पे चलते हैं, एन ऑटोमेटिक रेन गेज रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक रेन गेज जो होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है, रेनफॉल या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की, कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो होगा नहीं। अब रेनफॉल और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की बात कर लेते हैं, तो कुछ रेन गेज है जो मास का रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ ऑटोमेटिक जो रेन गेज है वो इंटेंसिटी, जैसे में टिपलिंग बकेट जो होता है वो इंटेंसिटी भी रिकॉर्ड करता है, और साइफन, नेचुरल साइफन जो होता है वो रेनफॉल का मास कर्व हमें देता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दोनों हमारा ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरे का आंसर ए सही है, तीसरे का आंसर सी सही है। तो इस प्रकार से इन 3 क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान था, सब लोग से बन ही गया होगा। चलिए, चौथा, पांचवा, छठा आपके सामने है, और अगर आप बना लिए हैं तो फिर जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन है एक साथ, क्योंकि हल्का है। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा जो भारी रहेगा, जो कि हमें पता है कि लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दम है, इधर वाले क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं, समझे। तो आप लोग एक साथ 3 का आंसर बता सकते हैं। पहला, ये चौथा क्वेश्चन है, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड, प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आता है, सिर्फ बारिश, सिर्फ स्नोफॉल या हेयर फॉल नहीं है, ठीक है, हेल फॉल है, ठीक है, हेल फॉल
ये बालों का झड़ना नहीं, हिल हिल। हाँ तो आपको ये बताना है। चौथा का आंसर सीमा को आया है ए, और डी कुमार वो भी बता रहे हैं ए, बट क्यों बता रहे हैं ये है मेरी समझ के बाहर का बात है भाई। देखिए चार में प्रेसिपिटेशन है, तो चार का आप लोग का आंसर गलत है। चार का आंसर होगा डी, चार का आंसर होगा डी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। प्रेसिपिटेशन सबको बोलेंगे, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो या फिर हेल गिर रही हो, यानी कि बर्फ का छोटा टुकड़ा गिर रहा हो या बड़ा टुकड़ा गिर रहा हो। हाँ चार का होगा डी, ठीक है। ऑल ऑफ दी एबव इसका सही आंसर है। किसी भी रूप से धरती पे अगर पानी आ रहा है ऊपर से तो वो प्रेसिपिटेशन ही कहलाएगा, बारिश गिरे बर्फ गिरे कुछ भी गिरे, ठीक है। हाँ पांचवा की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑटोमेटिक रेन गेज। ऑटोमेटिक कौन नहीं है? साइमंस रेन गेज, टिपलिंग बकेट, बेइंग बकेट, फ्लोट टाइप। आपको ये बताना है। फिफ्थ का आंसर एक लोग दिए हैं सिर्फ, वो बता रहे हैं फिफ्थ का होगा ए, साइमंस रेन गेज, और बाकी सब है ऑटोमेटिक। बिल्कुल सही बात है, फिफ्थ का आंसर ये है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उस समय जब हम टाइप ऑफ रेन गेज पढ़ रहे थे तो ऑटोमेटिक का एग्जांपल था साइमंस रेन गेज, जिसे ऑटोमेटिक नहीं नॉन ऑटोमेटिक, जिसमें इंडिया में स्टैंडर्ड के टाइप रूप में यूज किया जाता है, और फ्लोटिंग टाइप, बेइंग बकेट, ये सब ऑटोमेटिक है। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चन है जिनमें ही दम है। इसको देख लीजिए एक बार। आइसोहाइट, आइसोहाइट क्या होता है? इक्वल प्रेशर वाले लाइन को कहते हैं या इक्वल ह्यूमिडिटी वाले को कहते हैं, इक्वल एलिवेशन को कहते हैं, इक्वल रेनफॉल को कहते हैं। तो सिक्स का डी। हाँ नोट एन ऑटोमेटिक पूछ रहा था, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप पूछ रहा था। तो ये आइसोहाइटल मेथड में भी हम लोग जाने थे कि आइसोहाइट किसको कहते हैं, तो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल। सिक्स का डी बिल्कुल सही है, शिवम का सही आंसर है। चलिए ऐसे ही आज मतलब कि डेली जो स्टूडेंट रहते थे वो भी आज नहीं आए हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म करेंगे और पढ़ाई करेंगे, और वापस से दोबारा तो चीजों को समझाने वाले हैं नहीं, फिर वो लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग। रेन गेज शुड प्रिफरेबली बी फिक्स्ड। फिर से वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पेड़ के नीचे थोड़ी लगाएंगे, ओपन स्पेस में लगाएंगे। सी आंसर सही है। ए फैन कैचमेंट, फैन शेप कैचमेंट एरिया लेस रन ऑफ देगा या ज्यादा रन ऑफ देगा? जैसे कैचमेंट एरिया का दो एग्जांपल हम लोग लिए थे। एक है कि यहाँ पे आपका कलेक्ट होगा पानी, लेकिन ये पत्ती के साइज का है, बट यही सिमिलर सिचुएशन में ये फैन के शेप का है। तो बताइए यहाँ से पानी देर से पहुंचेगा ना, जबकि यहाँ से लगभग सब बराबर दूरी पे है, तो इसका पानी जल्दी आएगा। तो यहाँ पूछा है फैन शेप जो कैचमेंट है लेस रन ऑफ देगा, नहीं, डज नॉट अफेक्ट द रन ऑफ, गलत, अफेक्ट होता है शेप से। गिव ग्रेटर रन ऑफ, बिल्कुल सही बात है, ग्रेटर देगा रन ऑफ, जिसका तो सवाल ही नहीं उठता, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट। आठवां का बी बिल्कुल सही है, और नाइन का एसआई यूनिट ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ का एसआई यूनिट क्या था? रन ऑफ का एसआई यूनिट क्या था? रन ऑफ डिस्चार्ज मेजर करता था ना, नौवां का सी सही बात है, मीटर क्यूब पर सेकंड। डिस्चार्ज का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। ये सब क्वेश्चन आसान थे। ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर कौन नहीं जानता? H2O होता है आइस। अब आइस वाटर ही तो है, भी सही था इसका। व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? अगर ये ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें गलत कर सकते हैं, बाकी सब सही है। 11 का आंसर क्या बताए थे? किन्हीं को कोई इसी क्वेश्चन में डाउट रहे कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ तो पूछ सकते हैं। व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ। यहां तक तो सारा लाइन सेम ही है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी बैक टू सी अगेन। हमें लग रहा है बी इसका सही है, समुन्दर से पानी चलता है और वापस से समुन्दर में पहुंच जाता है। नहीं, अच्छा यहाँ पे चौथा ऑप्शन अगर पढ़ा जाए, प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड बैक टू सी अगेन, इसलिए बी नहीं डी होगा। आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए 11 का हो गया डी,
इस वाले टेस्ट वन में जितने भी क्वेश्चन थे सब आसान क्वेश्चन थे। 12 में आते हैं, इफ द एवरेज एनुअल रेनफॉल एंड इवेपोरेशन ओवर लैंड मासेस एंड ओशियंस ऑफ द अर्थ आर कंसीडर्ड, इट वुड बी फाउंड दैट, अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल और इवेपोरेशन, सारे इवेपोरेशन जो ओशियन से होते हैं सबको अगर कंसीडर किया जाए, तो एक वहां पे बताए थे कि जितना भी इवेपोरेशन होता है समुद्र में उसका जल्दी में मारने पे ही होता है, तो जितना भी इवेपोरेशन होता है समुद्र से उसका 90% वापस जो वहीं गिर जाता है, यानी कि 10% ही होता है काम, या ऐसा ही कुछ बताए थे, 20% बताए थे या 10% बताए थे। इसका सही आंसर क्या है 12 का? इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तभी ठीक रहेगा। ये ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, 99% नहीं होगा, 9% होगा। अबाउट 9% मोर वाटर इवेपोरेट, 9% ज्यादा पानी इवेपोरेट होता है ओशन से देन व्हाट फॉल्स बैक ऑन देम एज प्रेसिपिटेशन। कह रहा है कि समुद्र से 9% पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है उस पानी से जो वापस से समुद्र में ही प्रेसिपिटेशन के रूप में पहुंच जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही था इसका बी, ठीक है, 99% नहीं गलत टाइप हो गया है, 9% है ये, बाकी यहाँ है 19%, 19% जो कि गलत है, 9% होना चाहिए, एक्चुअल में हम लिखवाए हैं 10%, तो अगर ऑप्शन में 9 मिल रहा है तो 9 ही सिमिलर होगा 10 के, इसीलिए। चलिए हाँ बस जल्दी जल्दी स्किप हो जाएगा ये सब। ये क्या था, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच, वाटर लॉस, इवेपोरेशन, रन ऑफ, स्ट्रीम फ्लो, परकोलेशन, सॉइल फ्लो, स्टॉर्म, प्रेसिपिटेशन, कौन है जो सही नहीं है, वाटर लॉस, इवेपोरेशन, रन ऑफ, स्ट्रीम फ्लो, परकोलेशन, सॉइल फ्लो, स्टॉर्म, प्रेसिपिटेशन, कौन है जो सही नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पे टाइप गलत हुआ है, सॉइल फ्लो नहीं है, सॉइल इरोजन है, ठीक है, सॉइल फ्लो नहीं है, सॉइल इरोजन है, 13 का सी, क्योंकि सॉइल फ्लो तो परकोलेशन में होता ही है, सॉइल का इरोजन थोड़ी होता है परकोलेशन में। सारे लोग मैच देख रहे हैं क्या आज, स्टूडेंट का है, विराट कोहली तो आउट हो गया, अब क्या वहां बचा हुआ है। व्हेन द डेंसिटी ऑफ स्नोफॉल इज नॉट नोन, इट इज यूजुअल टू एज्यूम दैट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्नोफॉल, अगर कोई डेंसिटी वगैरह कुछ डाटा नहीं पता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो बर्फ गिरा है वो कितना परसेंट बारिश के बराबर माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 यही पूछ रहा है, तो 90% माना जाता है, इसका आंसर डी है, जो लोग नहीं सही बनाए थे उन लोग याद कर लीजिएगा, जब बर्फबारी हुई है तो वो फर्स्ट इनिंग खत्म, जब बारिश के जगह पे बर्फ गिरी है तो उसको माना जाता है, तो उस पानी कितना होगा उसका, 90% पानी माना जाता है। द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग गेज अडॉप्टेड इन इंडिया, रिकॉर्डिंग बोल रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग गेज, तो अडॉप्टेड कौन है रिकॉर्डिंग में, नेचुरल साइफन, टिपिंग बकेट, वेइंग बकेट और टेलीमेट्री टाइप, तो चलिए ए बी सी में से कोई होगा, 15 का आप लोग बी बता रहे हैं, वही तो गलत हो गया, नेचुरल साइफन टाइप, ठीक है, ए सही होगा, नेचुरल साइफन टाइप, वेइंग बकेट नहीं यूज किया जाता है इंडिया में, टिपलिंग बकेट भी नहीं यूज किया जाता है, और ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, नेचुरल साइफन को स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग बोला गया है, ठीक है, टारगेट फॉर श्रीलंका 374 पूरा अपडेट है आपके पास, ठीक है, 15 का ए होगा, बी नहीं, नेचुरल साइफन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग रेन गेज प्रोड्यूस द मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन, कौन सा रेन गेज है जो मास कर्व देता है, कौन सा रेन गेज मास कर्व देता है, टिटलिंग बकेट को नहीं देगा, ये इंटेंसिटी बताता है, नेचुरल साइफन, साइमंस गेज या स्टोरेज गेज, स्टोरेज गेज, यहाँ पे भी कुछ मिस टाइप है क्या, क्वेश्चन नंबर 16, नेचुरल साइफन, स्टोरेज गेज, टिपलिंग बकेट और साइमंस गेज, नहीं सही है, तो इसमें से कौन सही है, साइमन तो नॉन रिकॉर्डिंग है तो कट जाएगा, पूछा गया है रिकॉर्डिंग,
टिपलिंग बकेट इंटेंसिटी देता है तो कट जाएगा, स्टोरेज गेज नाम का कुछ होता नहीं है तो बच गया एक ही नेचुरल साइफर, डी आंसर सही है। 16 का 17वां, इन इंस्टॉलिंग रेन गेज नेटवर्क द रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड दैट, ये कुछ डाटा है जो याद करना होगा आपको। द डेंसिटी ऑफ गेज शुड बी मोर इन प्लेन देन इन हिल, सही कौन सा है? ये सही है, 10% स्टेशन होना चाहिए रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। जितना भी आप रेन गेज स्टेशन मान लिया जाए 100 स्टेशन आपको लगाना है तो 100 का 10% यानी कि 10 रेन गेज आपका रिकॉर्डिंग टाइप होना चाहिए, बाकी 90 नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। 18, द मंथली रेनफॉल एट अ प्लेस एम ड्यूरिंग अगस्त 1987 वाज नोटेड एज 65 mm बिलो नॉर्मल, हेंस द टर्म नॉर्मल मींस। अब वहीं पे तो समझाए थे, जो लोग क्लास करे होंगे अच्छा से तो उनको याद होगा कि नॉर्मल मतलब होता क्या है, पिछले कितना सालों का रिकॉर्ड नॉर्मल में लिया जाता है, पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड लिया जाता है, ठीक है। तो 30 साल कहाँ मिलता है? यहाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो कि यही काया हुआ तब पूछिए, नहीं तो आगे बढ़िए। 19वां, द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ ए स्टॉर्म इज ए प्लॉट ऑफ, मास कर्व क्या होता है? तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस, ये है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल इंटेंसिटी, गलत। एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रेनफॉल इंटेंसिटी, ये भी गलत है। एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल वर्सेस, ये सब गलत है, बी सही है। एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या? समय लगातार पीछे से आगे की तरफ बढ़ेगा, कभी आगे पीछे नहीं होगा, टाइम लाइन एक बनेगा, ठीक है। मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो वो आगे बढ़ता रहेगा, जैसे टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है, उस ऑर्डर को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये पूरा टेस्ट में सारा क्वेश्चन आसान था, ठीक है। ये हाइटोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ, हाइटोग्राफ क्या होता है? हाइटोग्राफ क्या होता है? अब आप लोग देखे होंगे तो पता होगा कि हाइटोग्राफ क्या होता है। ये टेस्ट वन का लास्ट क्वेश्चन था और ये था भी बहुत आसान। रजिस्टर वाला जो रजिस्टर, हाँ ये बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का। हाइटोग्राफ किसको बोलते हैं? तो एक ग्राफ बनाते थे रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का, उसको बोलते थे हाइटोग्राफ। टेस्ट वन में कहीं कोई दिक्कत नहीं था, टेस्ट टू में क्वेश्चन दमदार था, इसमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? आप लोग में से बहुत कम लोग उसको दिए भी है तो इसलिए दिक्कत होगा सब लोगों को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, पढ़ के आंसर देना था। वैसे भी हमें लग रहा है कि यहाँ कोई मजा नहीं आ रहा है टेस्ट का डिस्कशन में, क्योंकि कुछ लोग दिए ही नहीं है तो फिर क्या होगा उसका, है कि नहीं? और ये टाइम का भी ओवरलैप इतना होता है कि मेरे पढ़ने के बहुत देर के बाद आपके पास शायद पहुंचता है और फिर आपका रिप्लाई आएगा, फिर हम पढ़ेंगे, तो ये हो जा रहा है। यूट्यूब पे लाइव होता ना वो अच्छा रहता ज्यादा। चलिए इसका आंसर क्या होगा आप बताइए कि कौन कौन सही है, अगर बताएं बनाए होंगे तब तो पता होगा। टेस्ट टू का पहला क्वेश्चन है ये, इसमें मैक्सिमम नंबर आया है श्रुति गोस्वामी का 27, फुल मार्क कितने का था? शायद 52 का। हाँ लेकिन कुछ दिक्कत है यहाँ पे, कुछ टेक्निकल इरर आ रहा है जिसके कारण यूट्यूब पे लाइव क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं। ऐप पे लाइव क्लास हो जाता है यही कैमरा यही सिस्टम से यही पैनल से, यूट्यूब पे जो है ना वहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, बहुत दिन से शायद लाइव क्लास नहीं हुआ यूट्यूब पे। इसका सही आंसर है सी,
देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला, ए फाइन स्प्रिंकल ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मॉल एंड, क्या लिखा हुआ है यार पढ़ते हैं यहां से। अच्छा, ए फाइन स्प्रिंकल, एक महीन कोई पानी का बूंद है बारिश का, ऑफ अ स्मॉल एंड रैदर यूनिफॉर्म वाटर ड्रॉप्स, सारे ड्रॉप्स जो हैं यूनिफॉर्म एक ही साइज के हैं, विथ ऑल ड्रॉप डाया बिलो 0.10 mm, यानी कि जितने भी बूंद है पानी के सब एक लगभग एक ही साइज का है और सब का डायमीटर 0.10 mm से कम है, तो उसे ड्रिजल कहते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, उसे ड्रिजल नहीं कहते हैं। ड्रिजल में डायमीटर 0.10 से बड़ा होता है। गुड इवनिंग अभिषेक। दूसरा बोला है, द प्रेसिपिटेशन ऑफ लिक्विड वाटर विथ एवरी ड्रॉप डाया लेस देन 0.5 mm, लेस देन 0.5 mm इज नोन एज रेन, जबकि गलत है, ग्रेटर देन 0.5 mm को रेन कहते हैं, लेस देन 0.5 mm को नहीं कहते हैं। तीसरा, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स ऑफ इरेगुलर लंप्स बर्फ और बारिश आइस ईच ओवर 5 mm इन डाया इज कॉल्ड हेल, ये बिल्कुल सही है। हेल उसी को कहते हैं जिसमें बर्फ गिरता है, इरेगुलर शेप का बॉल गिरते हैं बर्फ के। डेव ड्यू इन इज फॉर्म डायरेक्टली बाय कंडेंसेशन, ड्यू मतलब ओस, वो डायरेक्टली बन जाते हैं संघनन से, कंडेंसेशन से, कहां पे? ग्राउंड के पास, मेनली ड्यूरिंग नाइट, रात में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, व्हेन सरफेस हैज बीन कूल्ड बाय आउटगोइंग रेडिएशन। तो यानी कि चौथा सही है, तो तीसरा और चौथा सही है, यानी कि सी सही है। टेस्ट कहां से देते हैं ये लोग? टेस्ट कहां से लेते हैं? आप जब ऐप खोलेंगे तो वहां पे कंटेंट नाम से एक होता है ना फोल्डर, फोल्डर नहीं, वहां पे साइड में लेफ्ट साइड में दिखते रहता है कंटेंट, तो वहां पे नीचे दिखेगा आपको टेस्ट, सारे सब्जेक्ट के नाम रहेंगे और सारे सब्जेक्ट के नाम के साथ ही एक फोल्डर रहेगा टेस्ट का, तो उसमें जाएंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा टेस्ट, ठीक है। और जिस दिन डिस्कशन होगा उस दिन नहीं पूछा जाता है कि टेस्ट कैसे देना है सर, बाद में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे द सक्सेसिव एनुअल रेनफॉल मैग्नीट्यूड एट ए प्लेस, अगर रिकॉर्ड ऑफ 10 ईयर का रिकॉर्ड दिया गया है बारिश का, पूछा है क्या मीन एंड मीडियम, माध्य एंड माध्य का, तो जिनको निकालने आता है दसवां क्लास में पढ़े होंगे अच्छा से, वो निकाल लेंगे कि मीन किसको बोलते हैं, माध्य का किसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो बताइए किनको किनको आता है मीन मीडियम निकालने, ये दसवां क्लास में पढ़े थे। मीन किसको, मीन कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ दीजिए और जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए, और मीडियम कैसे निकालेंगे, तो सबको एक ऑर्डर में अरेंज करिए और जो सेंटर में पड़ेगा वो उसका मीडियम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ये बी, मीन कैसे निकलेगा, एक्स वन प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय डॉट डॉट डॉट, अगर x n तक है तो डिवाइडेड बाय n, और मीडियन कैसे निकलेगा, तो सबको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, उसके बाद कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 डाटा है ना, तो 9 डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से बीच में कौन पड़ेगा, तो 4 इस तरफ 4 उस तरफ, बीच में पड़ेगा ये, इसी तरह से कुछ निकालते हैं ना। चलिए, तो ये 10वां क्लास का था, ये सही चीज है। द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम इंटरवल ऑफ ए टिपिकल स्टॉर्म आर गिवन, पूछा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी रेनफॉल का 20 मिनट के लिए कब रहा है, तो ये तो बस ग्राफ देख के ही पता चलेगा, सारा है 10-10 मिनट का गैप है, सारा सब 10-10 मिनट का है, पूछा है 20 मिनट तक सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा और 20 मिनट तक कहां पे आपको नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा 2.2, अब यदि आपको मैक्सिमम चुनना है तो इसको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, तो 10 मिनट के लिए ये हम लेंगे, लेकिन अगला 10 मिनट क्या, तो या तो इससे पीछे वाला ले सकते हैं या तो इससे आगे वाला ले सकते हैं, इसके पीछे वाला है 1.1, इससे आगे वाला है 1.5, तो हमें ज्यादा के चक्कर में इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या बोला है,
मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना 20 से 40 तक कंसीडर करते हैं, तो 20 से 30 में रहा 2.2 और 30 से 40 में रहा 1.5, तो दोनों को जोड़ के एवरेज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसका एवरेज 1.857 ना। क्वेश्चन नंबर 3, 3 का बी, हाँ सही है। एक बैरोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, यहाँ पे गलत है, ओम्ब्रोमीटर होगा ना, या उसी को बोलते हैं प्लूवियोमीटर, ये क्या मेजर करता है, रेनफॉल डेप्थ मेजर करता है, और क्या द एरिया बिटवीन द टू आइसो हाइट, ये सही था, 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर दो वो आइसो हाइट है, दो आइसो हाइट लाइन है, तो उन दोनों के बीच का एरिया 100 किलोमीटर और 45-55 के बीच 100 किलोमीटर स्क्वायर और 55-65 के बीच 150 किलोमीटर स्क्वायर है, तो एवरेज निकालना था, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है आइसोहेडल मेथड से, ठीक है, अगर नहीं पता है तो लेक्चर देखना पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या आया था सबका, फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर था 56, और आइसोहेडल का फॉर्मूला पता होगा वो था कुछ ये जो डेप्थ है इसका एवरेज लेते थे तो 45 और 55 का एवरेज कितना होगा 50, 50 गुना 100 जोड़ ये 55 और 65 के बीच में कितना रहेगा 60, 60 गुना 150 और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 250, ऐसा ही कुछ आएगा ना, इसका आंसर कितना आता है कैलकुलेट करके बता सकते हैं। हाँ इतना ही होता है ना, तो ये आंसर आता है सर 56 सी। फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज द डबल मास्कर यूज, ये एक नया था, ये पढ़ाया नहीं गया है आपको डबल मास्कर, लेकिन ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि डबल मास्कर आता है, यूज किया जाता है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए प्रेसिपिटेशन के रिकॉर्ड का, ठीक है, बाकी इसमें डिटेल में नहीं जाना, ये सिर्फ आता है क्वेश्चन सेमेस्टर में आ सकता है, SSJEE में आया है 2 बार, तो इसलिए इसको सिर्फ याद रखिएगा, इसलिए जानबूझ करके डाला गया था, डबल मास्कर हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ये टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बताया हुआ है और प्रिंसिपल काउज बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा, कौन सा बारिश क्यों होता है, कन्वेक्टिव क्यों होता है, साइक्लोनिक क्यों होता है, फ्रंटल क्यों होता है और ओरोग्राफिक क्यों होता है, ठीक है, साइक्लोनिक क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण, बी का 3 कहां है, बी का 3 2 में है, तो दो लोग तो ऐसे ही निकल लिए। ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक शायद माउंटेन के कारण होता है, नहीं ओरोग्राफिक होता है माउंटेन बैरियर के कारण, और कन्वेक्टिव होता है दो तरह के, एटमोस्फेरिक डिस्टरबेंस, यहां तो कुछ होता नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस और वार्म एंड कोल्ड एयर मास, फ्रंटल होता है ये शायद सी का 5, तो इस तरह से इससे मिलता जुलता हमें तो नजर आ रहा है बी, नहीं बी इसका सही आंसर है 7 का। नेक्स्ट टेस्ट कब होगा, इस प्रकार से टेस्ट वेस्ट नहीं होगा, कुछ कोई भाग नहीं लेता है टेस्ट में, तो हम अपना माथा क्यों खराब करते रहे। चलिए 7वां का आंसर सही है ये, आगे बढ़ते हैं। मेन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गेज अमाउंट बाय, किसके थ्रू आएगा जो सबसे सही रहेगा, तो चलिए आइसोहाइकल मेथड तो बेस्ट होता ही पता है, लेकिन दो दो बने आइसोहाइकल मेथड, एक है लिनियरली इंटरपोलेटेड, एक है ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिकली वेटेड। लिनियरली इंटरप्रेटेड करने का मतलब सिर्फ आप पूरे एरिया को प्लेन एरिया मान लिए हैं या एक तरह का एरिया मान लिए हैं, उसके बाद आप थिसन पॉलीगन बनाए हैं, और एक बोला है कि नहीं हम रेन गेज नेटवर्क ही ऐसा बिछाए हैं कि वो मैनेज ही करें ओरोग्राफिकली, ओरोग्राफिकली मतलब लैंड के हिसाब से उसका अलग डेंसिटी माने हैं, फिर अगर हिल्स है तो उसका अलग डेंसिटी माने, इस हिसाब से जो ओरोग्राफ है हमारे लैंड का, हमारे कैचमेंट एरिया का, उसके हिसाब से अगर पूरा स्टेशन का जाल बिछाया गया है और आइसोहाइकल मेथड है तो वो बिल्कुल सही होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट था, लिनियरली इंटरपोलेटेड
नॉर्मल इंटरपोलेशन हुआ और ओरोग्राफिकली थोड़ा ध्यान में रखा गया कि कैसा जमीन है हमारे कैचमेंट एरिया में। ठीक है, तो क्वेश्चन भेज दिया जाएगा ग्रुप में और क्या करेंगे, नहीं तो बना दिया जाएगा मेरे लिए, क्या फोटो खींचना भेज देना है, मैम बाकी टाइप करके डाल ही देते हैं। इन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल ए पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कौन मेथड, आइसोहाइटल, थिसन पॉलीगन, नॉर्मल रेशियो, अर्थमेटिक मीन, एक्यूरेट एस्टिमेट कौन देता है, कौन देता है? शायद सबसे अच्छा थिसन पॉलीगन देता होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9, 13 क्वेश्चन थे इसमें, सबसे अच्छा कौन रहता है, थिसन पॉलीगन की आइसोहाइटल, आइसोहाइटल रहता है, नौमा का बी सही है। दसवां, लिस्ट मिलाइए, फिर से वही बात आ गई, इसमें बोला गया है एक तरफ लिस्ट है और इधर सबसे ऊपर लिखा गया है आइसो वेल्स, आइसो बार्स, तीसरा में कुछ है नहीं, चौथा यहाँ पे तो पूरा गायब ही है तीसरा। अब मेरे पास तो ये क्वेश्चन भी नहीं है रॉक फॉर्म में, हम अभी देख के मिला है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। 11, थिसन पॉलीगन, थिसन पॉलीगन क्या होता है ये तो बताया ही थे पूरा अच्छा से, इस पे पूरा पूरा लेक्चर है। एक एरिया है जो स्टेशन के चारों तरफ, ट्रेन का पता ही नहीं चल रहा था, हाँ इसलिए छोड़ दिए, बाद में देखेंगे और होगा तो फिर से हम उसका फोटो भेज देंगे ग्रुप में। और क्या, ए रिप्रेजेंटेटिव एरिया यूज फॉर वेइंग द ऑब्जर्व स्टेशन प्रेसिपिटेशन, एक स्टेशन है उसके चारों तरफ एक थिसन पॉलीगन बनाते थे, जो तरीका है वो वहां लेक्चर में है, तो वो पता चल जाता था उससे, क्या पता चलता था कि इस स्टेशन का वेटेड निकालने के लिए, हम वेटेड एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालने के लिए कितना एरिया हम लेंगे, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता था कि वो कहाँ पे कैचमेंट एरिया में स्थित है, और इस मेथड में हम लोग कैचमेंट एरिया के बाहर वाले रेन गेज को भी कंसिडर करते हैं, यही इसकी खासियत थी थिसन पॉलीगन में। तो बी इसका सही आंसर है। दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। यहां भी मिलान करना, तो क्या बोला है, गिव्स इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी कौन देता है, टिपिंग बकेट देता है, बैंक बकेट क्या देता है, बैंक बकेट मास कर्व देता है। अच्छा यहाँ पे और भी है, नेचुरल साइफन भी है, ये भी देता है, साइमन गेज का स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप में स्टैंडर्ड, रिकॉर्डिंग टाइप में स्टैंडर्ड होगा नेचुरल साइफन, और साइमन है नॉन रिकॉर्डिंग, साइमंस है नॉन रिकॉर्डिंग, बेइंग बकेट देता है मास कर्व, बट मास कर्व नेचुरल साइफन भी देता है, तो डी दोनों में जाएगा, वन में भी और थ्री में भी, कुछ ऐसा ही सही है ना। 12 का बी सही होना चाहिए। तीन को कोई दिक्कत, 11 का बी, हाँ 11 का बी ही तो था, 12 का ये मिलाया सही है ना, ट्रिपलिंग बकेट टाइप इंटेंसिटी देता है, बिल्कुल सही, यानी कि ए जाएगा दो के पास, ए जाएगा दो के पास, ये सही है और ये सही है, ये भी सही है। खैर पूरा देख लेते हैं, तो 1 और 3 डी में मिलता है, डी में 1 भी जा रहा है 3 भी जा रहा है, मतलब कि मास कर्व भी देता है नेचुरल साइफन, और इंडिया में रिकॉर्डिंग टाइप में स्टैंडर्ड भी इसी को माना जाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। एक क्वेश्चन और होगा ना, आइसो हाइट इज लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इक्वल रेनफॉल, और क्या, ये कौन नहीं जानता, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए सब लोग बनाए, जो लोग उनका कोई डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 का पार्ट 3 शुरू होता है, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटी डैम, ठीक है, जिसमें पढ़ रहे थे फोर्स कौन कौन सा लगता है ग्रेविटी डैम पे, जिसमें से पढ़ रहे थे अर्थक्वेक माने भूकंप के कारण कौन कौन सा फोर्स लगता है, जो
ये वाला पढ़ लिए थे, ये पेज पढ़ लिए थे, यहां से शुरू करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा भूकंप के कारण। स्टार्ट किया जाए ना क्लास। चलिए, वर्टिकल एक्सेलरेशन अगर हो तो हम पिछले क्लास में जाने थे कि भूकंप के कारण दो तरह का एक्सेलरेशन आएगा जो डैमेज कर सकता है डैम को, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल में हो सकता है कि पानी के तरफ से डैम की ओर एक्सेलरेशन लग जाए, या हो सकता है कि डैम के तरफ से पानी के तरफ एक्सेलरेशन लग जाए, ठीक है। और वर्टिकल में क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ लग जाए या नीचे की तरफ लग जाए, उसी की बात करते हैं। विंडर वर्टिकल एक्सेलरेशन इंजेक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन द इफेक्टिव वेट ऑफ डैम विल बी इंक्रीज एंड हेंस द स्ट्रेस डेवलप्ड विल इंक्रीज। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप जा रहे हैं लिफ्ट में, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ऊपर लिफ्ट जा रही है, तो आपको महसूस होता है कि आपका वजन बढ़ा हुआ है। डैम ग्रेविटी है, वजन का ही सारा खेल होता है, उसका वजन और बढ़ा हुआ फील हो रहा है। इसका मतलब है कि डैम आपका सुरक्षित है। बट दिक्कत कब आती है, जब वर्टिकल एक्सेलरेशन लग रहा हो लेकिन नीचे की तरफ लग रहा हो, यानी कि आप 10 मंजिला इमारत से लिफ्ट में चढ़ के नीचे आ रहे हैं और वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, आपको फील होगा कि आप वेटलेस हो रहे हैं, आपका वजन कम हो रहा है। यानी कि ग्रेविटी डैम का फंक्शन ही पूरा वेट पे डिपेंड होता है और उसका वेट कम हो रहा है। इसका मतलब पीछे वाला जो पानी है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो डैम को बहा के आगे ले जाएगा, ठीक है। तो यही होता है रस्ट केस डिजाइन के लिए, रस्ट केस यही होता है। अगर इस केस को झेल लेगा आपका डैम, तो फिर आपका डैम वर्टिकल एक्सेलरेशन वाले केस में भूकंप को आसानी से सह लेगा। तो फिर इसके लिए डिजाइन कर दिया जाता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड द फाउंडेशन शैल ट्राई टू मूव डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द डैम बॉडी एंड दस द इफेक्टिव वेट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ डैम विल डिक्रीज, ठीक है। सच एक्सेलरेशन विल एग्जर्ट एन इनर्शिया फोर्स, जड़त्व। डैम हैज स्थिर, भूकंप आया, डैम पे लग रहा है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो उस पे लगेगा फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स। और वो फोर्स किसके कारण लग रहा है, जड़त्व के कारण, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है या गति में है, एक समान लीनियर मोशन में है, तो अपनी उस गति को, उस अवस्था को सस्टेन करके रखना चाहता है तब तक जब तक कि उस पे कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। रट रट के याद करते हैं हिंदी में। खैर, फोर्स लगेगा, तो फोर्स बराबर पता होगा आपको मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एफ बराबर एम ए, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। एम क्या है, मास, ये क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो पता ही है कि भूकंप के कारण लग रहा है। एम क्या होता है, मास, मास कैसे निकालेंगे, तो वेट तो हमें पता ही है डैम का वजन पता है ना, हमने बनाया है तो वेट हमको पता है, तो वेट बराबर क्या होता है, एम जी होता है ना, डब्ल्यू बराबर एम जी, वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से एम का वैल्यू निकल जाएगा कितना, एम बराबर डब्ल्यू बाई जी, यानी कि एफ बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बाई जी इंटू ए। ये समझ रहे हैं कौन सा एक्सेलरेशन है, भूकंप के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रकार के एक्सेलरेशन द्वारा एक इनर्शिया फोर्स एक्ट होगा किस पे, डैम पे, कितना, डब्ल्यू बाई जी इंटू ए भी, ए भी क्यों, वर्टिकल एक्सेलरेशन है ना, इसीलिए भी लगा हुआ है, ए भी। हाँ हाँ, गैलीलियो दे चाहे न्यूटन दे, ठीक है। जहां पे डब्ल्यू क्या है, टोटल वेट डैम का, ठीक है। तो यहां से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। सो द नेट इफेक्टिव वेट, अब नेट इफेक्टिव वेट, तो इनर्शिया फोर्स क्या कर रही है, डैम को, डैम के वेट को रिड्यूस कर रही है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो यानी कि टोटल जो वेट नीचे की तरफ लग रहा था वो कुछ कम हो जाएगा, जो कि डैम के लिए खतरनाक है। तो कितना कम हो जाएगा, तो टोटल वेट नीचे लग रहा था डब्ल्यू, उसमें से इतना कम हो जाएगा, एफ बराबर अभी निकाले ना, डब्ल्यू जी बाई ए भी, तो डब्ल्यू जी बाई ए भी को, सॉरी डब्ल्यू बाई जी इंटू ए भी, ठीक है, डब्ल्यू जी बाई ए भी नहीं, तो इतना फोर्स नेट इफेक्टिव अभी भी काम करता रहेगा। तो अगर इतना वेट में जो वाटर द्वारा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है डैम पे, वो वाला वेट अभी भी इससे अगर कम है तो डैम आपका सुरक्षित है, और अगर ज्यादा यही ज्यादा हो गया तो फिर आपका डैम तो गया, और ज्यादा कुछ है नहीं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, वर्टिकल एक्सेलरेशन के कारण, तो नेट इफेक्टिव वेट कितना हो गया, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जी बाई ए भी, डब्ल्यू माइनस ए में कर सकते हैं मास को, हमने वेट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दिया है, ठीक है। जहां ए भी क्या है, ए भी क्या है, ए भी को हम बोल सकते हैं के भी इंटू जी, क्योंकि जो भूकंप के कारण एक्सेलरेशन होता है उसको मेजर किया जाता है जी के रिस्पेक्ट में, 10% 20%
ऐसे जैसे अगर 10% है तो 0.1 g, तो के भी क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा जितना भी आया है उसके हिसाब से। यहां लिखा गया है इफ ए भी बराबर के भी इनटू जी, वेयर के इज द फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी अडॉप्टेड फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन सच एज 0.1 और 0.2 etc, देन द नेट इफेक्टिव वेट ऑफ डैम w माइनस w बाय जी इनटू के भी इनटू जी। देखिए w माइनस w बाय जी इनटू ए भी, ए भी को हमने बोला क्या w माइनस w बाय जी इनटू ए भी को हमने तोड़ दिया दो पार्ट में, क्या के भी इंटू जी, के भी क्या रहेगा 0.1 0.2 कोई कांस्टेंट रहेगा, जी से जी कट जाएगा, तो w माइनस w इंटू के भी, अगर w को कांस्टेंट ले लिया जाए तो 1 माइनस के भी, ठीक है। तो नेट इफेक्टिव वेट कितना हो गया इतना, इसको याद नहीं रखना है, समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा गया है, यहां पे क्या नेट इफेक्टिव वेट कितना लगेगा w इंटू 1 माइनस के भी, और नीचे वही लिखा गया कि वर्टिकल एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड लगता है रिड्यूस कर देता है यूनिट वेट को, डैम मटेरियल के कारण जो नीचे लग रहा था कितना से 1 माइनस के भी टाइम ओरिजिनल यूनिट वेट से उतना गुना कम हो जाता है। ये था हमने वर्टिकल के कारण, हॉरिजॉन्टल के कारण क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के कारण ए बी सी इसमें से किसी एक को काटना पड़ेगा, दो बार ये लिखा गया है। हॉरिजॉन्टल के कारण दो तरह के फोर्स लग सकते हैं, या तो रिजर्वायर से डैम की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन, या डैम से रिजर्वायर की तरफ आएगा। रिजर्वायर और डैम में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये है हमारा डैम और इसके पीछे जो पानी जमा है ये हो गया रिजर्वायर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इधर से जा सकता है या इधर से जा सकता है, तो उधर से जाएगा तो क्या होगा, उधर से जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमने माना है कि एक हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स लगेगा। हॉरिजॉन्टल हाइड्रोडायनेमिक कब लगेगा, जब डैम पानी पर लगाएगा तो अचानक से पानी रिस्पोंड करेगा डैम को, भाई साहब कहां इधर कहां, तो वो जो फोर्स लगाएगा हाइड्रोडायनेमिक फोर्स होगा, अचानक से इतना सारा पानी फोर्स लगाने लगेगा किस पे, डैम पे। तो डैम अगर सह लिया उसको तो ठीक है, नहीं सहा तो निकल लेगा आगे नदी में, फिर आगे अगले गांव में ये सब इसका रॉड वगैरह कंक्रीट वगैरह यहां पे पकड़ा जाएगा। हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स ये क्या होता है, तो ये फोर्स लगेगा जब इधर से उधर जाएगा, जब इससे उतना कोई नुकसान होता नहीं है डैम को। हाइड्रोडायनेमिक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द रिजर्वायर कॉज ए मोमेंटरी इंक्रीज इन द वाटर प्रेशर एज द फाउंडेशन एंड डैम एक्सेलरेट टुवर्ड्स द रिजर्वायर एंड द वाटर रजिस्ट द मूवमेंट ओइंग टू इट्स इनर्शिया। क्या कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जब लगेगा रिजर्वायर के तरफ तो एक मोमेंटरी इंक्रीज हो जाएगा वाटर प्रेशर में। अभी जब हमारा डैम होता था, नया पेज लेते हैं ना, अभी जब हमारा डैम होता था इधर पानी है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आया भूकंप के कारण, तो पूरा का पूरा जो पीछे पानी है ये इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा अचानक से। वाटर रजिस्ट द मूवमेंट ऑफ ओइंग टू इट्स इनर्सिया, जड़त्व के कारण पानी उसको रजिस्ट करेगा। तद एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। अगर प्रेशर नॉर्मल था, कोई पहले भूकंप नहीं आया था, तो प्रेशर कुछ इस प्रकार से लिनियरली लग रहा था, जिसके लिए हमने डैम को ऑलरेडी बना चुका है, उतना तो वो सही रहा है। लेकिन अब डैम अचानक से उधर जाने लगेगा तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। अगर इस प्रेशर को डैम का मटेरियल बियर कर लिया, सह लिया, तब तो डैम सुरक्षित रहेगा, नहीं तो टूट जाएगा। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा जिसको बोल रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। अकॉर्डिंग टू बोन कर्मन, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू बोन कर्मन द अमाउंट ऑफ दिस हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इज पी, और पी इज गिवेन बाय दिस फॉर्मूला 0.555 इंटू के एच इंटू गामा डब्ल्यू इंटू हाइट का स्क्वायर। बस इंपेरिकल फॉर्मूला है, याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, कोई इंपोर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। कहां पे लगेगा, तो नीचे से बॉटम से 4h/3 पे लगेगा, यानी कि अगर ये डैम है हमारा तो पानी के कारण यानी कि भूकंप में आए हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर के कारण डैम पे फोर्स लगेगा कितना, इतना 0.5
फाइव 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 के एच, के एच क्या है समझ गए होंगे, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, एच क्या है कैपिटल एच टोटल डैम की हाइट, डैम की हाइट नहीं पानी जितना है उतना उसका स्क्वायर, और ये लगेगा कहां पे तो नीचे से फोर एच बाई थ्री पे, फोर एच बाई थ्री पाई सॉरी फोर एच बाई थ्री पाई पे लगेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला सब कुछ दिया गया है इसीलिए इसमें कुछ कर नहीं सकते, जिसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, कभी एग्जाम में पूछा उछा नहीं गया है। मोमेंट पूछ रहा है कि अगर भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं किसी पे भी तो इसके बेस के अलोंग एक मोमेंट जनरेट होगा ना, मोमेंट ताकि डैम ही हमारा घूम ना जाए उलट ना जाए, तो कितना लगेगा, तो जितना फोर्स लगेगा उतना जो दूरी है, तो फोर्स कितना लग रहा है ये है पी हमारा फोर्स, और दूरी कितना तो नीचे से कितना ऊपर लग रहा है फोर एच बाई थ्री फाइव पे लग रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया मोमेंट, वही लिखा गया है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है 0.424 पीई इंटू एच, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है 4/35 को सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में तो 0.424 नजर आएगा, वही है। खैर इसको याद नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना था, आप लोग समझ लिए। अगर लिखने आ जाए कि हाँ भाई आपको यही बताना ही है कि क्या डैम पे इफेक्ट होगा, ग्रेविटी डैम पे इसके कारण पूरे अर्थक्वेक के कारण, तब तो जाहिर सी बात है कि पूरा आप समझा सकते हैं, उसके लिए ये ठीक है, बट कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा न्यूमेरिकल के रूप में कि हाँ ये वगैरह निकालिए, कुछ नहीं आएगा। अब अगर ग्रेविटी सॉरी सॉइल पढ़े होंगे आप लोग तो वहां एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर अगर पता होगा तो ये यील्ड प्रेशर आराम से समझ में आएगा। क्या हो रहा है आज जीभ लड़खड़ा रही है ना, बोलते बोलते थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। सॉइल में एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर कितने लोगों को पता है, एक्टिव और पैसिव, रिटेनिंग वाल नाम के कुछ टॉपिक था ना, रिटेनिंग वाल स्ट्रक्चर, उसमें लग रहा था एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर, तो किनको किनको पता है वो थोड़ा बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो हम थोड़ा सा सॉइल में जाएंगे और वहां उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके सील्ड पे आएंगे, अगर पता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में जिनको पता है वो लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमें पता है। श्रुति गोस्वामी बोल रहे हैं पढ़ता है कल पढ़े हैं सर, ओ वो बात है, कितना टाइम हो रहा है 6:02, हाँ ठीक है सही बात है कल पढ़ते हैं, सील्ड प्रेशर से कल पढ़ेंगे। तो ये बता दीजिए किनका किनका पता है सर, एक बार बता दीजिएगा। ठीक है वही बता देते हैं। अरे जैसे देखिए यहाँ पे पूरा मट्टी है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने दीवार बनाया है और यहाँ पे आपने रोड बनाया है, ठीक है, तो इधर मट्टी भरा हुआ है तो ये मट्टी रोड पे ना आ जाए उसके लिए आपने क्या किया है, पत्थर का या ब्रिक का या किसी भी तरह का आपने दीवार बनाया है, इसको बोलेंगे क्या, रिटेनिंग वाल। क्यों? क्योंकि ये रिटेन कर रहा है यहाँ पर की मिट्टी को इधर आने से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टोटल इतनी हाइट की मिट्टी है इसके कारण फोर्स लगेगा किस पे, इस दीवार पे, कितना, वही बात करते हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यदि दीवार इधर जा रही है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर, दीवार अगर इधर की ओर धंस रही है तो पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो कल इसकी बात कर लेंगे, हालांकि आपको पता ही होगा कितना वेट लगता है नीचे इफेक्टिव स्ट्रेस वाले कॉन्सेप्ट से। अच्छा अभी भी तो टाइम है, तो कल अपना रिविजन करके आइएगा सॉइल वाला, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है। कल फिर वैसे ही जैसे अभी चल रहे शॉर्ट में बता देंगे और कल पढ़ लेंगे सील्ड प्रेशर, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ हम आपको ग्रुप में भेज देते हैं, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड किया जाए, ठीक है, फिर जाके पता है कि क्लास खत्म होगा तो कुछ लोग मैच देखेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए कृष्ण टेक्निकल पाठशाला के साथ, आप भी जुड़िए, आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है, फायदा करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ तो हम क्या करें, पीडीएफ बड़ा रहता है तो आप उसमें से अपने काम का चीज निकाल लीजिए, ठीक है। सब हम तो कई बार बोले ना कि सब चीज नहीं लिखना, उसमें से आप अपने काम का चीज लिखिए और पीडीएफ का पेज बड़ा इसलिए हो जाता है कि फॉन्ट बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, कोई भी सर इतना बड़ा बड़ा नहीं, इतना नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं।